हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट क्रीडा के करंट अफेयर्स चैनल पर। जनवरी मॉक ड्रिल का पार्ट 1.0 कल रिलीज हो चुका है। 1.1 इसका सेकेंड इंस्टॉलमेंट है और 1.2 के साथ ही हम जनवरी के पीडीएफ फाइल नंबर 1 को कंप्लीट कर लेंगे। जो लोग नई तरीके से इस फाइल को सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये पूरा का पूरा पीडीएफ स्मार्ट क्रीडा के टेस्ट जोन पर अवेलेबल है। काइंडली आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाएँ और चेक करें। इसके अलावा आप इस पीडीएफ को एमसीक्यू फॉर्मेट में भी अपने आने वाले किसी भी करंट अफेयर बैंकिंग एग्जाम के लिए, क्लैट एग्जाम के लिए, लॉ एग्जाम के लिए चेक कर सकते हैं। आप एमसीक्यू उसको विदाउट एनी कॉस्ट दे सकते हैं। उसमें आपको सुविधा मिलेगी नेशनल रैंकिंग की, आपके एनालिसिस की और आपकी ऑब्वियसली मिस्टेक्स की। तो काइंडली आप करंट अफेयर्स के लिए इसे देखें और अगर आपके जो भी सुझाव हो काइंडली आप हमें मैसेज करें। काइंडली आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाएं और हमें बताएं कि आप और क्या चाहते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव अहेड विद टुडेज जीके। इंडिया को चेयर बनेगा आईयूसीएन द्वारा सपोर्टेड एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप के लिए। देखिए, आईयूसीएन कई जगह पर टर्म आती है, तो इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो नेचर के लिए ये बनाई गई है, नेचर के कंजर्वेशन के लिए। इसके लिए एडवोकेसी करती है ये यूनियन, कॉन्फ्रेंसेस करती है, लोगों में जागरूकता पैदा करती है, अवेयरनेस पैदा करती है और स्टेप्स उठाती है, जैसे कि ये एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप, ताकि म्यूचुअल तरीके से आकर ये लोग कंजर्वेशन ऑफ नेचर को कर सकें। एपीएपी अभी कंसिस्ट करती है 21 मेंबर्स फ्रॉम 17 कंट्रीज और फॉर्मली लॉन्च्ड इन 2014 एट द आईयूसीएन वर्ल्ड पार्क कांग्रेस इन ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोगों को याद रखने की चेयर बात यह है कि इंडिया को को-चेयर बनाया गया है एपीएपी के लिए 3 साल के लिए। हेडक्वार्टर ऑफ आईयूसीएन ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और आईयूसीएन की संस्था जो संस्थापक दिवस है वो 1948 में है। मतलब ये संस्था जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन 1948 के अंदर आई है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। एक बात हम अपने सभी सब्सक्राइबर्स को बताना चाहेंगे, सभी स्टूडेंट्स को, कि ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो स्विट्जरलैंड या बेल्जियम या यूरोप की इन कंट्रीज में इसलिए होती हैं क्योंकि स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल कंट्री था यूरोपियन वॉर्स की तरफ। जब वर्ल्ड वॉर हुई है तो उसमें यूरोपियन कंट्रीज थी, तो वर्ल्ड वॉर के समय स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री जो थी वो न्यूट्रल कंट्री थी। तो ऑब्वियसली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी वो न्यूट्रल कंट्रीज में बनी। तो इस कारण आप ज्यादातर अगर यूनियंस देखेंगे, ज्यादातर अगर आप इंटरनेशनल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो उसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड इसीलिए मिलता है। आई थिंक हमें नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ना चाहिए। चाइना ने अंडर वाटर ड्रोन सी विंग ग्लाइडर को इंडियन ओशियन में लॉन्च किया है, जो कि मंथ्स ऑन एंड में कर सकते हैं और मेक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं नेवल इंटेलिजेंस पर्पसेस के लिए। तो इनका नाम है सी विंग हाई ग्लाइडर इंडियन ओशियन के अंदर। चाइना बीजिंग कैपिटल है, रेमनी भी इसकी करेंसी है, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है, जिन्होंने अपने आप को लाइफ टर्म के लिए अपॉइंट कर लिया है। ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, इन्होंने लाइफ टर्म के लिए अपने आप को अपॉइंट कर लिया है। एक एडिशनल जीके पॉइंट में आपको, या एक स्ट्रेटेजी पॉइंट जो चाइना का है वो ये है कि चाइना अपनी फोर्सेस को नेवल एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहता है। इंडिया का ध्यान वो उसकी आर्मी पर, उसके बॉर्डर्स पर केंद्रित रखना चाहता है, ताकि वो अपनी नेवल फोर्सेस को बढ़ा सके और इंडिया बॉर्डर पर ही उनके साथ स्कर्मिशेस या छोटी मोटी मुठभेड़ करता रहे और वो नवल सुपर पावर बने। क्योंकि जो मलक्का स्ट्रेट है, जो कि आपका श्रीलंका इंडिया के थ्रू होते हुए जितने भी ऑयल टैंकर्स जाते हैं, लेट अस से ये हम इंडिया लेते हैं, यहाँ पे हम श्रीलंका लेते हैं और यहाँ पे हम साउथ ईस्ट कंट्रीज लेते हैं, बीच में हम मलक्का स्ट्रेट लेते हैं जहां से होके चाइना को ऑयल जाता है, ताकि वो उसे कंट्रोल कर सकें। इसके लिए उन्होंने ये न्यू स्टेप लिया है सी विंग ग्लाइडर इंडियन ओशियन के अंदर, ताकि वो अपनी नेवल फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग कर सकें। जापानीज स्टार्टअप ने सुमिटोमो फॉरेस्ट्री जो है रिसर्चर्स के साथ कोयोटो में यूनिवर्सिटी में मिलकर स्टार्ट किया, ताकि वो एक वुडन सैटेलाइट को शेप दे सकें, एक वर्क कर सकें उसके ऊपर। जापान जो है इस वुडन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की सोच रहा है 2023 के अंदर। पीएम योशी शीडे सुगा है, पहले शिंजो आबे थे। अभी आपको याद रखना है कि योशीदे सुगा है, शिंजो आबे ने हेल्थ कारणों के कारण अपना इस्तीफा दे दिया था। जापान की कैपिटल टोक्यो है, करेंसी येन है। जनवरी 2 को कजाक के प्रेसिडेंट कैसिम जोमार तोकायेव ने न्यू लॉ साइन किया है, जिसके अंदर आप
इन्होंने अबॉलिश कर दिया है डेथ पेनल्टी को। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत सिंपली बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, कि कोई भी लॉ जो होता है इंटरनेशनल टर्म में जब हम बात करते हैं, तो इंटरनेशनल लॉ को कंट्री का लॉ बनने के दो स्टेप्स होते हैं। पहले आपका इंटरनेशनल लॉ है, उसको साइन करेगी कंट्री का मेंबर, कंट्री का सेक्रेटरी या कंट्री का हेड। ठीक है, कंट्री का मेंबर, सेक्रेटरी, हेड या कोई भी ब्यूरोक्रेटिक पर्सन जो जिसके पास वो पावर है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये या इंटरनेशनल लॉ में तो आपने साइन कर दिया, लेटर से ट्रीटी आपने साइन कर दी, या इस केस में देखा जाए तो ICCPR, इसका शॉर्ट फॉर्म है ICCPR, साइन कर दिया। लेकिन आपका जो घर का लॉ है, जिसे इंटरनेशनल लॉ में बोलते हैं म्यूनिसिपल लॉ, यानी कि आपका नेशन का लॉ, वहां पर भी उसके मुताबिक जो आपने साइन किया एक लॉ बनना चाहिए, ताकि वो आपकी कंट्री में एनफोर्स हो सके, आपकी कंट्री में उसका कानून बन सके। इसलिए कजाक के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये साइन किया है लॉ, ताकि वो रेटिफाई कर सकें जो उनका उन्होंने कमिटमेंट दिया था ICCPR के अंदर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान है, करेंसी टेंगे है, प्रेसिडेंट कासिम जोमार्त तोकायेव। लाइफ में पहली बार यूके की, अपनी नहीं, यूके की विंड आई है, स्टॉर्म आई है, जिसे स्टॉर्म बेला नाम दिया गया है, उसने 50% पावर विंड से प्रोड्यूस हुई है। तो ये एक न्यू रिकॉर्ड स्थापित हुआ है यूके के अंदर, कि स्टॉर्म बेला ने हिट किया यूके को और 50% पावर विंड से प्रोड्यूस हुई है। और इस टाइम यूके की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है, यूरोपियन यूनियन से यूके बाहर निकल चुका है, तो इस चीज को आपने याद रखना कि पाउंड स्टर्लिंग यूके की ऑफिशियल करेंसी है। यूके की कैपिटल लंदन है, इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ यूरोप भी बोला जाता है। पीएम ऑफ यूके बोरिस जॉनसन है, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा है कि स्मॉल ड्रोन्स को फ्लाई करने दिया जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। अब देखिए, इस न्यूज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हम ड्रोन्स को देते हैं परमिशन उड़ने की घरों के ऊपर, तो आपकी प्राइवेसी वायलेट होती है, लेकिन फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी आजादी दी है। और यूएसए वॉशिंगटन, यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन है, वॉशिंगटन डीसी है, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, और करेंसी यूएस डॉलर है। प्रेसिडेंट अब जो बाइडन है, जिन्होंने ट्रंप को हराया है। तो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है WHO COVID-19। ये लेटेस्ट अपडेट्स प्रोवाइड करता है कोरोना वायरस डिजीज के ऊपर, राइट? और WHO ने जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इसका नाम है WHO COVID-19 ऐप। तो अगर आपसे क्वेश्चन आए कि WHO COVID-19, WHO COVID-20 को WHO COVID-21, तो आपने याद रखना है WHO COVID-19 है इसका नाम, बिकॉज टेक्निकली कोविड जो है वो 2019 के अंदर चाइना में आ गया था। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं WHO के, टेड्रोस एधेनोम है। एक और क्वेश्चन जो आपको WHO का यहां से निकल के आ सकता है, कि यूएस अब जो बाइडन के अंदर दोबारा WHO को ज्वाइन करने वाला है, ट्रंप ने इससे इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि इसलिए यूएसए को बाहर निकाला था, क्योंकि WHO जो था वो चाइना के इस वायरस को कवर करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं, ऐसा कहा जाता है एलिजिबली कि दैट ही इज अ मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, एंड कम्युनिस्ट पार्टी के अभी स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक्स हैं चाइना के साथ, चाहे वो कहीं पे भी हो। हेडक्वार्टर ऑफ WHO अगेन, मैंने आपको शुरू में बताया, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, मेंबर कंट्रीज है 194। अर्जेंटीना लार्जेस्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री बन गई है, जिसने लीगलाइज कर दिया अबॉर्शन, आफ्टर उसकी सेनेट ने अप्रूव कर दिया हिस्टोरिक लॉ। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्जेंटीना, ब्राजील, ये जो कंट्रीज हैं, ये पहले इंडिजीनियस ट्राइब्स की थी, यानी कि यहाँ पे इंडिजीनियस धार्मिक चीजें चलती थी। बाद में स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट हुआ और वो अपने साथ क्रिश्चियनिटी को लाए, उन्होंने क्रिश्चियनिटी में यहाँ के लोगों को बदला। अब क्रिश्चियनिटी के अंदर एबॉर्शन इज कंसिडर्ड अ सिन, क्योंकि वहां पे ये बोला जाता है कि एबॉर्शन मारना मतलब कि एक चाइल्ड को किल करने वाली बात है। तो इस चीज को अपने रिलीजियस लॉ से उठकर
जब लार्जेस्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री ने लीगलाइज किया है, तो इसको एक रेवोल्यूशनरी स्टेप के तौर पे देखा जा रहा है लीगलाइज अबॉर्शन करने को। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस एरिस और करेंसी है पैसो। इनके एक महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का भी अभी कुछ ही महीने पहले निधन हुआ है। तो अगर आपको न्यूज आए तो डिएगो मैराडोना इसी कंट्री के प्लेयर थे। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने नैन्सी पेलोसी को दोबारा हाउस स्पीकर चूज कर लिया गया है। नैन्सी पेलोसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी। इस स्लाइड में तो वो नहीं है, परंतु मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताऊंगा कि ये इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लीडर जो हैं ये बहुत सारा फंड जनरेट करती हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए, इनके लिंक्स बहुत डीप हैं। तो शी इज द फंड कलेक्टर, फंड रेजर, फंड रेजर हैं ये, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं। और अब इन्हें दोबारा स्पीकर के पद के लिए चूज किया गया है, प्रेसिडेंट जो बाइडन है। और ये बस इंफॉर्मेशन मैं आपको पहले बता चुका हूं। नैन्सी पेलोसी इटालियन ओरिजिन की हैं, इटालियन मतलब उनका जो नाम है, अब जिस जगह उनकी शादी है, शी इज फ्रॉम इटालियन एथनिसिटी। ईरान ने एनरिच किया है यूरेनियम 20% प्योरिटी के साथ फ्रोडो न्यूक्लियर फैसिलिटी में, फार बियॉन्ड द लिमिट्स लेड आउट इन द 2015 न्यूक्लियर डील। P5+1 करके एक न्यूक्लियर डील हुई थी चाइना, जिसमें ईरान के साथ P5 मतलब कि परमानेंट 5 मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, प्लस 1 मेंबर वॉज यूरोपियन यूनियन से जर्मनी को लिया गया था। और ईरान के साथ डील हुई थी कि वो अपने एनरिच नहीं करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को, ताकि वो एक न्यूक्लियर वेपन ना बना सकें। लेकिन अब आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ईरान ने यूरेनियम को 20% प्योरिटी कर दिया है, ताकि उससे वो एक न्यूक्लियर वेपन बना सकें। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल, प्रेसिडेंट है हसन रोहानी। बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर चलते हैं, ये एक न्यू टॉपिक है, सो ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है इसके ऊपर हमारे फीडर साहब ने। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी जो है वो एसोसिएट मेंबर बन गए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन के। ये क्लोजली वर्क करती है G20 नेशंस के साथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के साथ, ताकि स्ट्रेंथन हो सके मार्केट, स्टैंडर्ड सेट हो सके सिक्योरिटी मार्केट्स के, राइट। हेडक्वार्टर्स ऑफ ये है गुजरात गांधीनगर में, चेयरमैन है इंजेती श्रीनिवास। सो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी के हेडक्वार्टर्स हैं गांधीनगर में। हेडक्वार्टर जो इस जिस मेम जिस जगह की मेंबर बनी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बनी है, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, उसके हेडक्वार्टर्स है मैड्रिड स्पेन के अंदर। मैड्रिड से सब फुटबॉल प्लेयर्स को याद आ रहा होगा, रियल मैड्रिड, एंड आप करेक्ट हैं उसके अंदर। सेक्रेटरी जनरल है पॉल पीयू एंड्रयूज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स को लॉन्च करने का सोचा है, ताकि ये मेजर कर सके एक्सटेंट डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स का इंडिया के अंदर। ये मार्च 2018 में बेस ईयर के तौर पे स्टार्ट होगा, और इंडिया की जो पेमेंट्स है अब शॉर्ट अप होगी 82% करंट फिस्कल ईयर Q2 में। देखिए पेटीएम है, इसमें शेयर इन्वेस्ट किया है अलीबाबा ग्रुप, इसको होल्ड करते हैं मेजोरिटी शेयर्स को। अगर आप फोन पे यूज करते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि आपकी सारी प्राइवेसी, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो वॉलमार्ट जो इसमें एक मेजर प्लेयर है। इसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म आपके जो प्राइवेट हैं उसमें बहुत ज़्यादा फंडिंग है बाहर की, क्योंकि वो आपकी चॉइसेस, आपकी पेमेंट्स को कंट्रोल करना चाहेंगे। एक प्राइवेट कंपनी हमेशा मोनोपली की तरफ जाती है। वहीं हमारा जो देसी सिस्टम है इसके लिए, जो कि एक अच्छा सिस्टम है, दैट इज भीम। तो ऑलवेज यूज भीम ऐप ओवर दीज पेमेंट ऑल्टरनेटिव्स व्हेन यू कैन। आई विल नॉट सेइंग दैट आप ना करें, बिकॉज भीम ऐप इज अ नेशनल सिस्टम, और यहाँ पे आपका डाटाबेस नेशनल गवर्नमेंट के पास ही रहता है, वेयर एज इन दिस इट गोज वन टू चाइना और इट गोज टू USA, बाकी आपकी अपनी पर्सनल है। तो RBI इंट्रोड्यूस करा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ताकि वो जान सकें कि आप कितना पेमेंट जो है हम बढ़ गया है, कितनी पेमेंट सब इंडियंस और कर रहे हैं फ्रॉम UPI, फ्रॉम नेट बैंकिंग, फ्रॉम डायरेक्ट IFSC कोड पेमेंट्स, फ्रॉम RTGS, फ्रॉम नेफ्ट एक्सेट्रा। हेडक्वार्टर RBI के मुंबई के अंदर है, गवर्नर शक्तिकांता दास है। रुपे ने पार्टनर किया है, रुपे हमारा देसी ऑल्टरनेटिव है फ्रॉम टू वीसा एंड मास्टर कार्ड। अगेन मैं आपसे कहूंगा कि मास्टर कार्ड और वीजा 2.5% तक कमीशन चार्ज कर लेते हैं। सो 2 लाख की अगर आपकी पेमेंट है तो वीजा और मास्टर कार्ड ले जाएंगे ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज,
वेर एज इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम भीम देन इट विल गो फॉर लेट अस से 20 रुपीज और 100 रुपीज. तो रुपे ने पार्टनर किया आरबीएल बैंक के साथ टू लॉन्च रुपे पीयूएस. ये पेमेंट सॉल्यूशन है इंडियन मर्चेंट्स का इन एसोसिएशन विद फिनटेक. फिनटेक मीन्स फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी पे नियर बाय. तो कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट्स अप टू 5,000 ये सिंपल टैप के साथ अचीव कर सकेंगे मर्चेंट्स. जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मान लेते हैं मैं आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, तो इसमें कई जगह पर कई क्रेडिट कार्ड सिस्टम्स में 2,000 रुपीज जस्ट क्रेडिट कार्ड को टच करते ही मिल जाते हैं सिस्टम में. आई डोंट हैव टू पुट एन ओटीपी, आई डोंट हैव टू पुट, आई डोंट हैव टू स्वाइप इट, इट्स जस्ट टच टू द सिस्टम एंड गो, पेमेंट इज डन. तो सिस्टम है ये रुपे प्लस आरबीएल बैंक प्लस पे नियर बाय का टू लॉन्च रुपे पीओएस पेमेंट सॉल्यूशन फॉर इंडियन मर्चेंट्स. तो आपने याद रखना है रुपे का है, आरबीएल बैंक का है और पे नियर बाय का है. इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप इस स्लाइड में देख सकते हैं और उसे कलेक्टिवली याद कर सकते हैं. लॉन्च किया गया है एनपीसीआई द्वारा रुपे को, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. दैट्स व्हाट आई सेड दैट इट इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स जो हैं स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स पे इंक्लूडिंग पीपीएफ और एनएससी अनचेंज रखे हैं जनवरी टू मार्च क्वार्टर के लिए. बहुत सारा रीजन इसके पीछे ये है कि कोविड के कारण लोगों को और तकलीफ नहीं दी जा रही है. इनके इंटरेस्ट रेट्स ये हैं. अगर बैंक के आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आना थोड़े से नॉन रेलिवेंट है. अभी इंडिया का फिस्कल डेफिसिट यानी कि जो वो खर्च कर रहे हैं और जो उनका रेवेन्यू है उसमें जो डिफरेंस है फिस्कल डेफिसिट, वो 10.75 लाख करोड़ बढ़ गया है नवंबर 2020 के अंदर. और ये इक्विवेलेंट है 135% 2020 और 21 के बजट एस्टिमेट्स का. अब ये रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने के लिए सरकार क्या करती है कि पीएसयू को बेचती है, एलआईसी में अपने शेयर्स को बेचती है ताकि वो रेवेन्यू जनरेट कर सके एक्स्ट्रा, सो दैट इट कैन मैनेज इट्स फिस्कल डेफिसिट. जितना फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होता है उतनी ही कंट्री की रेटिंग्स जो हैं वो खराब हो जाती हैं. लेकिन क्योंकि कोविड आया था तो सरकार को बहुत सारा पैसा जो है इंजेक्ट करना पड़ा, 20 लाख करोड़ एज पर एज दिस सेड अंडर द स्कीम आत्मनिर्भर अभियान. तो ये 20 लाख करोड़ हवा में तो जनरेट नहीं होगा, ये कंपनीज को बेच के सरकार अपने एसेट्स को बेच के जनरेट करती है और वहां पर फिर फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ता है क्योंकि सरकार स्पेंड बहुत ज्यादा करती है, रेवेन्यू कम ही है और डेफिनेटली फिस्कल डेफिसिट का ग्रो होता है इसके अंदर. इसको मैनेज करने के लिए करती तो हैं, बट देन डेफिनेटली लेट अस से दैट ओएनजीसी वाज गिविंग यू 1 लाख करोड़ एज रेवेन्यू, यू हैड 100% शेयर्स, नाउ यू स्पेंड इट टू मैनेज फिस्कल डेफिसिट फॉर अ टेम्पररी टाइम, इट विल कम डाउन, बट ऑल्सो योर शेयर परसेंटेज इन ओएनजीसी इज नाउ 50% ओनली. सो द प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर विल बी 50 लाख 51 करोड़ प्रॉफिट, 50 लाख्स ओनली जस्ट फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव पर्पज. सो ये फिस्कल डेफिसिट होता है. प्रेजेंट सीजीए सोमा रॉय बर्मन है. पेपाल ने पेपाल के ऊपर 96 लाख पेनल्टी इंपोज की गई है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा क्योंकि ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ और कंसील कर रहे थे सस्पेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को. पेपाल में आपको कहना चाहूंगा कि फर्स्ट जो जैसे कहते हैं ना पेमेंट गेटवे था, जैसे आप रेजर पे से पेमेंट करते हैं स्मार्ट कीड़ा के लिए, आप पेटीएम से करते हैं, तो ये पेमेंट गेटवे में पेपाल नंबर वन था और इसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के लिए और एक्यूज किया गया कंसीलिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए. बाहर की जो कंट्रीज हैं जैसे एप्पल है, ब्लैकबेरी था पहले, ये लोग बहुत ज्यादा इंडियन अथॉरिटीज की बात को नहीं मानते हैं बिकॉज इंडिया इज अ वेरी सॉफ्ट स्टेट इन देयर आइज दैट कैन बी बॉट. अगर आप एजिटेशन कर दो इंडिया में तो ऑब्वियसली स्टेट बाउज डाउन, इसलिए ये सब चीजें होती हैं. आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि अगर क्या आप रीजनिंग पढ़ना चाहेंगे जीके की कि नहीं, या सिर्फ आप चाहेंगे कि मैं सिर्फ इसे बोलता रहूं. ठीक है, तो एप्पल और ब्लैकबेरी जो है ये नहीं शेयर करते हैं बिकॉज इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट और इसलिए यहाँ पे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को फाइन लगाना पड़ा है इन्हें ताकि ये थोड़ा सा इनको अपनी लाइन पर लाए. हेडक्वार्टर ऑफ पेपाल देखिए कैलिफोर्निया यूएस में है, सीईओ अभी डेनियल शुलमैन. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वो जैसे हम कहते हैं ना कि हम लेयरिंग कर देते हैं मनी की, लेट अस से कि मदन है, मदन ने 1 करोड़ रुपया कमाया इलीगल तरीके से, फिर मदन ने उस 1 करोड़ रुपए को लेट अस से जगह खरीदने में लगा दिया बेनामी प्रॉपर्टी में कि किसी और की जगह है, या उसने 1 करोड़ रुपए को सेट कर दिया गोल्ड टैब्स खरीदने में
और गोल्ड टैप्स खरीदने में मदद की उसकी ज्वेलर ने, उसने उसके गलत रिकॉर्ड्स बनाए, तो दैट मनी हैज बीन लेयर्ड, उसको एक या दो तीन लेयर में किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग का यही काम है। ग्रॉस गुड्स एंड टैक्स सर्विस टैक्स टैक्स कलेक्शन ने रिकॉर्ड हाई टच किया है, ओवर 1.15 लाख करोड़ का, द हाईएस्ट सिंस इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रेजीम। जीएसटी ने ऑल्सो साइकोलॉजिकल 1 लाख करोड़ मार्क का जो टारगेट है उसे ऊपर कर लिया है। देखिए जीएसटी तो हर चीज में लगता है, प्रोडक्ट्स में, खाने में, एवरीथिंग। सो व्हेन पीपल वर एट होम, ऑल दैट दे डिड इन कोविड वाज टू ईट फूड, टू हैव मोर एंड मोर सिक्योरिटी, टू हैव मोर एंड मोर प्रोडक्ट्स सो दैट दे कैन बाय। सो वन ऑफ द रीजंस इज कि ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन एज फार एज द फूड इज कंसर्न दैट इंक्रीज, दैट्स द कॉज फॉर दिस जीएसटी कलेक्शन, नॉट दैट द कंट्री इज ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटीज, बिकॉज हम सब जानते हैं कि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। हेडक्वार्टर ऑफ जीएसटीएन है न्यू दिल्ली में, सीईओ है प्रकाश कुमार, वेरी इंपॉर्टेंट सीईओ, वेरी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स। लेबर मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है 8.5% रेट इंटरेस्ट का, क्रेडिटिंग द सेम इनटू द अकाउंट ऑफ ओवर 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा काम होता है कि हम इम्प्लॉयज को बेस्ट रखें, जैसे गूगल उसमें नंबर वन आता है फॉर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, उसके बाद एप्पल आता है, शायद यही रेटिंग्स थी जहां तक मैंने लास्ट में देखा है। लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जैसे जहां पे 100 लोगों की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट फॉर्म है, तो वहां पे ईपीएफओ सिस्टम चलता है, आपका प्रोविडेंट फंड होता है और वो बढ़ता रहता है जितना ज्यादा आप वहां पे काम करते हैं। तो 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए। हेडक्वार्टर ऑफ ईपीएफओ न्यू दिल्ली है और सीईओ हैं श्री सुनील भरथवाल। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इनोवेशन के साथ रिकैपिटलाइज किया पंजाब एंड सिंध बैंक को बाय इशूइंग 5,500 नॉन इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स वैल्यूड एट पार। सिंस दीज बॉन्ड्स आर नॉट ट्रेडेबल, द लेंडर हैज केप्ट देम एट हेल्ड टू मेच्योर कैटेगरी। तो आपने बहुत ध्यान से याद रखना है कि सिंध और पंजाब बैंक के लिए 5,500 करोड़ के नॉन इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड्स को लागू किया गया है, इससे रिकैपिटलाइज होगा पंजाब एंड सिंध बैंक। हेडक्वार्टर ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक न्यू दिल्ली के अंदर है, एमडीएम एंड सीईओ एस कृष्णन है। गार्डन रीच शिप डेवलपर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने MK 4th क्लास LCU चिप L-58 को इंडियन नेवी को देने की सोची है। ये 8 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप्स मैन्युफैक्चर्ड है। शिप्स विल बी बेस्ड इन दी अंडमान एंड निकोबार कमांड। सो आप ये वेसल एल जो है इसको हैंड ओवर किया गया है इंडियन नेवी को, राइट। करेंट टाइम्स के अंदर नेवी के ऊपर भी भारत सरकार का ध्यान बहुत ज्यादा जाने लगा है, बिकॉज इट्स नॉट दैट चाइना इज ओनली डिक्टेटिंग द टर्म्स, इट स्टार्ट्स द स्कर्मिश, बट जो गैलवन वैली में हुआ उसके बाद इंडियंस के जो हैबिट है दैट आफ्टर अ डिजास्टर दे स्टार्ट अप द थिंग्स, सो इंडिया हैज ऑल्सो स्टार्टेड टू बोल्स्टर इट्स नेवी। सो ये उसके अंदर लिए हुए स्टेप्स हैं। MK 4th क्लास वेसल, वेसल मीन्स अ स्मॉल शिप, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर इज द लार्जेस्ट शिप, सो वेसल इज अ वेरी स्मॉल शिप। हेडक्वार्टर ऑफ GRAC कोलकाता इंडिया के अंदर है एंड रियर एडमिरल विपिन कुमार सक्सेना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, 20 लेजर डेजलर्स के लिए, एक नॉन लीथल वेपन है इंडियन नेवी को फॉर वार्निंग एंड स्टॉपिंग सस्पिशियस व्हीकल्स, बोट्स एंड एयरक्राफ्ट। सो लेट अस से दैट आरुषि, वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स ऑफ स्मार्ट कीड़ा, इज ड्राइविंग अ पायरेट व्हीकल, शी इज ड्राइविंग अ पायरेट व्हीकल इन फ्रंट ऑफ अ ह्यूज शिप, सो दे विल शो द लेजर टू हर दैट यू आर ट्रांसग्रेसिंग आर बाउंड्री एंड इफ यू डू नॉट स्टॉप आपके ऊपर शूट किया जाएगा, यू विल बी शॉट फ्रॉम ऑल दी विद ऑल दी पावर, फायर पावर। तो ये दिया गया है फॉर स्टॉपिंग सस्पिशियस व्हीकल्स, बोट्स एंड एयरक्राफ्ट। सिंस इट्स अ वार्निंग वेपन, ये नॉन लीथल है, नॉन लीथल मतलब नॉन डेंजरस, इससे मृत्यु नहीं होगी किसी की भी, और इन्हें फ्रंट लाइन वॉरशिप्स ऑफ इंडियन नेवी के लिए भी लिया जाएगा 1,355 करोड़ के ऊपर। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया है और इंडियन नेवी के साथ किया। देखिए दूसरा प्रोडक्ट आ गया इसी करंट अफेयर्स के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, अगर आपके कोई सुझाव हैं तो काइंडली आप प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में रखें। मैं कोशिश करूंगा कि स्मार्ट केड़ा की तरफ से आपके जो भी सुझाव हमारे लिए फॉलो करने लायक हुए या हम उसे अपने शेड्यूल में डाल सकें तो उसे हम डेफिनेटली पुट करेंगे।
आप सबने हमें देखा, उसके लिए धन्यवाद, आपके समय के लिए धन्यवाद।